Hello everyone. In this video today we will discuss about SCS prelims some important questions. तो चलिए start करते हैं. First question देख लेते हैं. Crimean Congo hemorrhagic fever CHF. तो इसको brief में Congo fever भी कहते हैं. Is transmitted through the bite of किसके काटने से transmit होता है. तो चार option है आपके. Anopheles mosquito और Hyloma tick, Aedes aegypti mosquito और none of the above. तो वैसे तो ये वायरस से होता है, आपको ये पता ही होगा, ठीक है. लेकिन उसका कैरियर कौन है, ट्रांसमिट कौन करता है, जैसे कि मलेरिया पर क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, उसी तरीके का ये भी एक सवाल है. तो इस पर जो जवाब क्या हो सकता है मैं आपको साथ साथ यहाँ पर बताता हुआ चलूंगा. तो ये आपका हाइलोमा टिक इसका नाम है, तो इसको लर्न कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है इस बार आपके एग्जाम के लिए. और कैट क्यू दैट वॉज सीन इन न्यूज इज ए वायरस सेड टू हैव इमर्ज इन विच कंट्री. तो कैट क्यू नाम का जो ये वायरस है ये किस देश से इमर्ज हुआ है. चार ऑप्शन है आपका और पीछे ये न्यूज में था, चाइना, केन्या, नाइजीरिया और बांग्लादेश. तो मैं मेरा मकसद यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देना है, तो आप इनको लर्न करते चलिएगा. इसका जवाब आपका चाइना है, क्योंकि कोई सवाल आपके सामने आ जाए तो आपको ये ना लगा रही है. ये तो हमें पहली बार हमने देखा, हमें तो याद ही नहीं है. तो मेरी कोशिश है कि आपको हर सवाल आए, ठीक है. और आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो टेस्ट सीरीज है उसके क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स आर डेडिकेटेड टू इम्प्रूव एजुकेशन इन इंडिया. देखो ऐप के ऊपर सवाल जो है आने की उम्मीद है इस बार बहुत ज़्यादा, तो आपने इसको ज़रूर प्रिपेयर करना है. तो दीक्षा मोबाइल ऐप, स्वयं प्रभा और इसके अलावा है आपका प्रज्ञाता गाइडलाइंस. तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. तो इस बार कुछ सवाल हमारे थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, तो डायरेक्ट भी रहेंगे, मिक्स रहेंगे क्वेश्चंस. तो आपने इससे घबराना नहीं है. तो इसका जवाब आपका डी है, यानी कि तीनों के तीनों हैं. और एक और क्वेश्चन देखते हैं, नागोर्नो नागोर्नो काराब रीजन और रिसेंटली न्यूज इन न्यूज एंड इज डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन विच टू कंट्रीज. तो रिसेंटली जो है ये न्यूज में था, तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है आपकी कौन से दो देशों के बीच में. तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा सवाल है आपके एग्जाम के लिए. तो इसराइल फिलिस्तीन और इंडिया चाइना, चाइना भूटान, आर्मेनिया और अजरबैजान. तो ये है आपका नागोर्नो काराबाख. तो ये आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, आए दिन खबरों में रहती है. और व्हाट इज गवी, तो गवी क्या है. तो चार ऑप्शन है आपके पास, जनरल अलायंस फॉर वैक्सीन, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, ये भी न्यूज में होता है हमेशा, ग्लोबल अमेरिकन वैक्सीन इंस्टीट्यूशन, ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ वैक्सीन. तो गवी है आपका ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन इम्यूनाइजेशन. तो आप इसको फटाफट याद कर लीजिए. और अगला क्वेश्चन है आपका होप मिशन, जो कि मार्स पर भेजा गया था और जापानीज रॉकेट के जरिए. तो किस देश ने लॉन्च किया था, ये सवाल आपको जरूर आता होगा, क्योंकि ये सवाल जो है कई बार एग्जाम में आ चुका है अब तक. और जो है तो आसान सवाल है, यूएई, यूएई का मिशन था मार्स को लेकर, होप मिशन. चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन. और इसमें जो जवाब होना चाहिए, पहले सवाल मैं पढ़ देता हूँ एक बार. तो विद रेफरेंस टू ज्ञानपीठ, ज्ञानपीठ अवार्ड को लेकर है आपका ये सवाल और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये भी. तो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ऐसे सवाल भी आपको मिलेंगे इस बार एससीएस एग्जाम में. तो द अवार्ड इज गिवन फॉर लिटरेरी वर्क इन इंडियन लैंग्वेजेस ओनली, द अवार्ड इज ओपन ओनली फॉर इंडियन सिटीजन. तो ज्ञानपीठ अवार्ड के ऊपर सवाल जो है रखा गया है, जितने भी आपके अवार्ड्स हैं आपने बहुत अच्छे से करने हैं. तो जो पहला वाला जो है ये ओनली यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि इंडियन लैंग्वेजेस में के लिए दिया जाता है, ये आपका गलत है और इसमें हमने करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. तो दूसरा ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसका बी जवाब होगा. तो ज्ञानपीठ अवार्ड हैं या आपकी कुछ नेशनल अकेडमीज वगैरह हैं, उन सब पर सवाल पूछा जा सकता है. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली इन न्यूज. तो ये था आपका धर्म गार्जियन, एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, कौन से दो देश हैं जिनके बीच की आपकी एक्सरसाइज है. तो चार ऑप्शन है, इंडिया म्यांमार, इंडिया जापान और इंडिया साउथ कोरिया, इंडिया एंड बांग्लादेश. तो ये तो आपका धर्म गार्जियन.
इम्पोर्टेंट है ये भी, मैं इसका जवाब बता रहा हूँ आपको, इंडिया और जापान। तो आपने इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे एससीएस वाले एग्जाम में, और इंग्लिश में है या हिंदी में है, मैं हमेशा कहता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पता होना चाहिए कि वो है क्या। चंद्रशेखर लिमिट के बारे में सवाल इम्पोर्टेंट है इस बार के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो द थियोरेटिकल मैक्सिमम मास ए वाइट ड्वार्फ स्टार कैन हैव एंड स्टिल रिमेन वाइट ड्वार्फ। तो अभी नीचे, अभी रिसेंटली पीछे ये न्यूज में था कुछ महीने पहले, तो चंद्रशेखर लिमिट ये जवाब है इसका। लोक अदालत बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, लोक अदालत, और ये स्टेटमेंट है, इट इज ए कंपोनेंट ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, इट हैज कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, इट डील्स विद ओनली सिविल मैटर्स। तो लोक अदालत पर आपका डायरेक्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, स्टेटमेंट बनाकर भी वे पूछ सकते हैं। तो इसका जो जवाब है आपका, जो ये पहला है, ये अभी अगर हम इसको देखें तो इसका ए जवाब है आपका, ठीक है। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट। तो लोक अदालत का जो टॉपिक है, आपने बहुत अच्छे से करना, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो मैं क्वेश्चंस आपको देने की देता हूँ तो उसकी आप डिटेल जरूर देख लीजिए थोड़ा सा, जो है ना। तो हो सकता है सवाल थोड़ा सा इनडायरेक्टली और तरीके से आ जाए, लेकिन टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो अगला है आपका, दिस डायनेस्टी रूल्ड आंध्रा रीजन एंड इन अराउंड द 20th सेंचुरी। गणपति देव, रुद्रम्मा देवी वर फ्यू इंपॉर्टेंट रूलर्स बिलोंगिंग टू द डायनेस्टी। द फेमस रामप्पा टेम्पल वॉज बिल्ड ड्यूरिंग देयर रेन। रिसेंटली नीति आयोग हैज रिकॉग्नाइज्ड वाटर मैनेजमेंट मिशन ऑफ तेलंगाना गवर्नमेंट नेम्ड आफ्टर दिस डायनेस्टी। आइडेंटिफाई डायनेस्टी बींग रेफर्ड इन द अबोव पैराग्राफ। एक पैराग्राफ दिया गया, इस तरीके के सवाल भी आपको मिल सकते हैं जिसमें कहानी सी बता दी गई है, पूछा जाए कि ये कौन सी डायनेस्टी से था या किसके बारे में बात हो रही है। तो ये आपका काकातीय डायनेस्टी की, रुद्रम्मा देवी बहुत फेमस है काकातीय डायनेस्टी से, तो इम्पोर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स आर पब्लिश्ड बाई वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स पर सवाल हमेशा आने की उम्मीद होती है। तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, तो ये चार पांच रिपोर्ट्स के नाम दिए हुए हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, तो पांच रिपोर्ट्स के नाम इसमें दे रखे हैं। तो इसमें जो है आपका ऊपर वाली नहीं है, बाकी दो तीन चार पांच होनी चाहिए। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ये सब है, तो इसका जवाब, और सॉरी एक दो तीन, मतलब इसमें तीसरी नहीं है, तो थर्ड वाली नहीं है, बाकी सब है इसके अंदर। तो ये नहीं है, बाकी ये है, ये है, एक दो और चार पांच, ठीक है, ये और ये। चलिए, तो इसका जवाब यानी कि बी होना चाहिए, ठीक है, बी होना चाहिए। तो इसमें आपका 3 मिस है, उसकी जरूर, वो इसका वर्ल्ड बैंक पब्लिश नहीं करता है। अगला सवाल,